तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले सवाल को देखो इसमें बेसिकली क्या है कि अगर एक देखो अगर एक बेसिकली थीन एस्पेरिकल सेल है सेल है हाइविंग डेंसिटी कट इनटू टू इक्वल प्लेन सेपरेटेड पॉइंट ए सेंटर ऑफ द प्लेन ऑफ द फर्स्ट एंड पॉइंट बी इज सेंटर ऑफ द प्लेन सेक्शन ऑफ सेकेंड पार्ट मतलब ए और बी यहाँ पर दो पॉइंट है पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है ठीक है तो इन दोनों के सेंटर सो दैट द ग्रेविटेशनल फील्ड एट द पॉइंट ए ड्यू टू फर्स्ट पार्ट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू पॉइंट बी एट द सेकेंड पार्ट अब देखो इस क्वेश्चन को वही कर सकता है जिसको ये बात पहले से पता हो कि अगर कोई सेल है दिस इज बेसिकली द सेल तो अगर सेल है तो अंदर से भाई खाली है सेल है तो यहाँ पर हर पॉइंट पर फील्ड जीरो है तो ये सेंटर है तो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है भाई एक ही पॉइंट है तो इस पॉइंट पे जो नेट फील्ड है इस पॉइंट पे जो नेट फील्ड है वो क्या होगा भाई जीरो होगा इस पॉइंट नेट फील्ड जीरो होगा तो इस पॉइंट पे नेट फील्ड भी अब इस पॉइंट को अगर अलग कर दोगे इस इस यहां से काट दोगे भाई यहां से इसको काट करके ऐसे अलग कर दोगे तो ये जो पार्ट है वो अलग तो हो जाएंगे लेकिन ये पार्ट ए ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है और ये जो सेकेंड पार्ट है तो इस पॉइंट पर जो फील्ड आ रहा था जीरो क्यों है क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट का फील्ड प्लस सेकेंड पार्ट का फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होंगे तभी तो जाके नेट फील्ड जीरो होगा तो नेट फील्ड अगर जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर में ई वन और माइनस ई टू ठीक है ई वन और माइनस ई टू मतलब ये दोनों एक दूसरे से इक्वल एंड अपोजिट है मैग्नीट्यूड में इक्वल है ठीक है और डायरेक्शन में अपोजिट है तो अगर इनको आप अलग कर दोगे ए और बी तो अगर ए का फील्ड मान लो अगर ए का फील्ड इधर आएगा ठीक है ये इस पॉइंट पे बी तो इस वाले का फील्ड इसके जस्ट अपोजिट ऐसे आएगा तभी तो जाके कैंसिल हो गए नेट जीरो बनेगा तो दैट्स वाई नेट फील्ड जीरो होता है दैट्स वाई दे आर एव इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड बट रिमेंबर दिस रिजल्ट इज वेरी हेल्पफुल कि इन सेल के साइड जो फील्ड होती है वो जीरो होती है बच्चों